एक दिन निम्मो नाम का एक चोर गहनों की दुकान से चोरी करके जा रहा था। इतने में उसकी जेब से एक कीमती हीरा नीचे गिरा। जब तक वो झुककर उसे उठाता, एक मुर्गी ने उसे निगल लिया। अरे अरे रुको, अरे रुको, मेरा हीरा, हे मुर्गी रुक! निम्मो चिल्लाते हुए मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी गली में और तेजी से भागने लगी। निम्मो भी उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी एक हिंडोले पर चढ़ गई। निम्मो भी हिंडोले का चक्कर लगाने लगा। जब वो थककर एक जगह रुक गया, तब मुर्गी घूमते घूमते उसके पास आई। निम्मो ने झपट मार के उसे पकड़ लिया। लो डेक्कन क्वीन, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया, अब दिखा मेरे चुंगल से निकलकर। तब मुर्गी ने उसके चेहरे पर जोर से तोच मारा। निम्मो जोर से चिल्लाया और मुर्गी उसके हाथों से छूटकर भाग गई। ओए, ओए, ओ तेरी! मुर्गी के तोच मारने के बावजूद भी निम्मो ने हार नहीं मानी। वो फिर से मुर्गी के पीछे भागा और मुर्गी उछलकर एक ऑटो पर जा बैठी। ऑटो स्टार्ट होकर वहां से निकल पड़ी। हैं? ये ऑटो कैसे शुरू हो गई? अब क्या करूं? ओ, साइकिल! निम्मो तुरंत वहां खड़ी एक साइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। उसने तेजी से साइकिल चला के उस ऑटो को पकड़ा। तभी उस ऑटो पर बैठे एक कुत्ते ने निम्मो के हाथ को जोर से काट लिया। अयो, अरे रे! चिल्लाते हुए निम्मो ने कैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा लिया। वो ऑटो एक चिकन शॉप पर जा रुकी। निम्मो भी साइकिल पर जाकर वहां उतरा। उस चिकन शॉप का मालिक मुर्गी को देखकर कहने लगा, अरे कहां घूम कर आई हो मेरी डेक्कन क्वीन, तुम्हें सवेरे से ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर उसने मुर्गी को पकड़ा और उसे अपने गोडाउन में डाल दिया। निम्मो ने छुपके से जाकर गोडाउन की खिड़की से झांक कर देखा। वहां बहुत सारी मुर्गियां थी। हे भगवान, अब इसमें से हीरा निगलने वाली मुर्गी कौन सी है? निम्मो परेशान हो जाता है। इतने में वो मालिक गोडाउन को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन निम्मो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो चिकन का गोडाउन खोलेंगे। मालिक ने शाम को दुकान खोला। निम्मो तिलमिलाता हुआ वहां आया। ये क्या, आपने सुबह से दुकान क्यों नहीं खोला? अरे भाई, ये मेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं ऑफिस से लौट के शाम को सिर्फ एक घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। जितनी मुर्गी बिक जाए उतना बेचता हूँ। इतने में वहां एक आदमी मुर्गी खरीदने आया। भाई साहब, एक अच्छी वाली मुर्गी देना। हाँ, 5 मिनट रुकिए। मालिक ने एक मुर्गी को पकड़ा और तभी निम्मो के मन में विचार आया। ओ, अगर ये मेरी हीरे वाली मुर्गी होगी तो? ये सोचकर निम्मो उस मुर्गी को खरीद लेता है। ऐसे ही एक एक करके निम्मो सारी मुर्गियां खरीदता है और उन्हें कटवाता है, लेकिन उसे उसका हीरा नहीं मिलता। ओ, अब क्या करूं? देखिए, मुझे ये मुर्गियां पसंद नहीं आई है। मैं कल फिर आऊंगा और मुर्गियां खरीदूंगा। निम्मो का अजीब बर्ताव देख के दुकान मालिक अचरज में पड़ता है। क्या अजीब आदमी है, लगता है सठिया गया है। निम्मो हर रोज उस दुकान में आकर किसी और को मुर्गी खरीदने नहीं देता था और मुर्गियों को कटवा के उनमें हीरा ढूंढता था। आज जरा देर हो गई, किसी को मुर्गी नहीं बेची ना? किसी को नहीं बेचा, पर साहब बिरयानी बना रहे तो उनको मुर्गी मुफ्त में दे दिया। निम्मो ने तुरंत वहां बची हुई मुर्गियों को कटवाया, लेकिन उनमें हीरा नहीं मिला। यानी जो मुर्गी साहब लेके गए, उस मुर्गी ने हीरा निकला होगा। यहाँ साहब की पत्नी ने उस मुर्गी को काटकर बिरयानी बनाई। तभी निम्मो दाढ़ी मूछ लगाकर भेष बदल कर उनके घर आया। जी, आप कौन है? मैं CID अफसर सक्सेना हूँ। आपके घर एक केस के सिलसिले में आया हूँ। वो हीरे की चोरी का केस है ना? यकीनन ये उस निम्मो ने ही किया होगा। एक बार बस हाथ आ जाए, उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहना होगा। निम्मो घबरा कर बोला, ठीक है ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, बिरयानी हो तो खिलाइए ना। आप कैसे जानते हैं हमारे घर बिरयानी बनी है? ठीक है, आइए साथ में बैठ के खाते हैं बिरयानी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। साहब की पत्नी बिरयानी के बर्तन लेकर वहां आती है। निम्मो बेसब्री से उस बर्तन की ओर देखता है। साहब की पत्नी उसकी प्लेट में बिरयानी परोसती है। निम्मो उस प्लेट में हीरा ढूंढने लगता है। बिरयानी खाना छोड़कर क्या ढूंढ रहे सर आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था कि चावल में कंकर तो नहीं है। निम्मो साहब की प्लेट छीन के उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। बाद में बर्तन को भी छीन लिया और उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। तभी साहब की पत्नी बोली, अजी मैं बताना भूल गई, जब चिकन को काटा तो उसमें से ये चमकता हुआ पत्थर मिला। हीरे को देखते ही निम्मो खुश हुआ। अरे ये तो हीरा है। निम्मो को साहब और उसकी पत्नी शक की निगाह से देखने लगे और साहब ने तुरंत उसकी नकली दाढ़ी खींच ली। क्यों रे कमीने, तो तुम्हारे चुराए हुए हीरे को इस मुर्गी ने निकला था और इसे हासिल करने सीधे इधर चले आए, लेकिन उस मुर्गी ने पकड़वाया है तुम्हें। अब चलो,
जेल की हवा खाओ। और इस प्रकार साहब ने निम्मो को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ कभी ना कभी दुनिया के सामने आ ही जाता है, इसीलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते चलने में ही हमारी भलाई है।